मिराज शरीफ की रात सिर्फ दो रकत नफल इस तरह पढ़ लें, सारी जिंदगी के गुनाह माफ। इन नफलों की नियत कैसे करनी है और तरीकाकार क्या है, मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोज आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, हम बहुत ज़्यादा सियाकार हैं, हम बहुत ज़्यादा बदकार हैं, हमारे जिम्मे बहुत बड़े बड़े गुनाह और बड़ी बड़ी खतें और बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। तो मेरे भाइयों, एक बात याद रखना कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। मिराज शरीफ की रात सिर्फ दो रकत नफल आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ लेने हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल अल्लाह तबारिक व ताला आपकी सारी जिंदगी के सारे गुनाह, छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। आपने नियत कैसे करनी मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपने शब्बे मिराज की रात इशा की नमाज के बाद आपने दो रकत नफल इस तरीके से अदा करनी है। सबसे पहले नवाफिल की नियत किस तरह करनी है, दो रकत नमाज नफल सलातु तौबा, मुंह मेरा तरवखाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर कह के आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सना पढ़ने के बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने जो भी सूरत आपको आती है आपने वही वाली सूरत पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने बाकी नमाजों की तरह रुकू और सजूद मुकम्मल कर लेने हैं। जब आपने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, सबसे पहले सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है, उसके बाद जो भी सूरत आप पढ़ना चाहें वही वाली सूरत पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपने बाकी नमाजों की तरह रुकू सजूद मुकम्मल कर लेना है। रुकू सजूद मुकम्मल करने के बाद अब आपकी दो रकतें मुकम्मल होगी। अब आपने तशहुद पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ यानी रब्बी जालनी पढ़ के सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एकदस पर दुरूद सलाम पढ़ना है। दुरूद सलाम पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और सच्ची पक्की तोबा करनी है कि या अल्लाह आइंदा के बाद मैं तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा, फिर भी खताकार हूं, फिर भी गुनाहगार हूं, मौला तू मेरी निगहबानी फरमाना, मौला तू मेरी गुनाहों से हिफाजत फरमाना, मुझे गुनाहों से निजात अता फरमाना। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह करीम जरूर आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ने